आपको कुछ ना कुछ हम एकेडमिक बताते हैं रोज, जो हम ऑब्जर्व करते हैं और वो आपको बताते हैं, वो सभी बच्चों के लिए होता है। और आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज बताई जा रही है तो उसका वास्तव में आपके लिए क्या उपयोगिता है। हमने अभी कल वर्षों में जो क्लासेस ऑब्जर्व की, तो उससे हमें स्पेशली लैंग्वेज के बारे में जो जानकारी मिली, जो बच्चों को नहीं है सबको मालूम होना चाहिए, है ना। और बेसिक नॉलेज अपने सब्जेक्ट का सभी बच्चों को होना जरूरी है। कल मैं क्लास 4-5 में गया था और ऊपर की क्लास में गया, क्लास 12 में गया, क्लास 10 में गया। कुछ क्लास कक्षाओं ने पूछा बच्चों से लैंग्वेज के बारे में बेसिक जानकारी, उनको ये पता नहीं है कि इंग्लिश में तो बता देते हैं कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कितने लेटर्स हैं, लेकिन बच्चों को हिंदी में स्वर और व्यंजन, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, इसकी जानकारी नहीं। ये बहुत ही एक ऐसा संकेत ही से पता चलता है कि हमें अपने ही सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं है। अगर आपको अक्षरों का, वर्णों का, उसके टाइम्स का, पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं है, तो आप भाषा में बेटा बहुत पीछे रह जाए। ये जानना जरूरी है, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने लैंग्वेज टीचर से, हिंदी टीचर से, संस्कृत टीचर से बीच बीच में पूछे, और पूछे ही नहीं, शिक्षकों से भी अनुरोध हो कि वो भी इनकी परीक्षा ले, एक बार लिखवा के देखें अल्फाबेट आते भी है कि नहीं। एक बात हो। दूसरी बात, कुछ कक्षाओं में मैंने ये देखा कि टीचर्स बार बार बोलते हैं तब बच्चे मुश्किल से टेस्ट के लिए तैयार होते हैं, क्लास टेस्ट, चैप्टर के टेस्ट के लिए। कुछ ऐसी भी कक्षाएं हैं जहां पे बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर तैयारी हो गई, टेस्ट ले लीजिए। तो ये पॉजिटिव संकेत है, बच्चों को बोलना चाहिए टीचर से कि सर चैप्टर कंप्लीट, हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तैयारी हो गई, सर आप जब जाओ हमारा टेस्ट ले लीजिए। तो बच्चों की अटेंडेंस भी 100% रहती है। और टीचर्स बोलते हैं कि कल आपका टेस्ट होगा और इतने मार्क्स का होगा, और बच्चों तो बच्चे तैयार नहीं है, उनको टेस्ट से तकलीफ है, आधे बच्चे एबसेंट हो जाते हैं। इसलिए हर चैप्टर का टेस्ट कंपलसरी है स्कूल में, और उस टेस्ट को बच्चे को देना है, और स्टूडेंट को टीचर से बोलना है कि नहीं सर टेस्ट, आपको टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा सर, आप हम जानना चाहते हैं हमें कितना सीख लिया, आपने कितना सीख लिया, ये लर्निंग एंश्योर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा मैंने फरवरी में आप लोगों को बोला था कि कोई भी शिक्षक, कोई भी विद्यार्थी अगर बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखाई देता है, फरवरी 15 फरवरी की मॉर्निंग असेंबली में मैंने बोला था, तो उसे स्टूडेंट ऑफ द वीक, टीचर्स ऑफ द वीक करके हमें डिस्प्ले करना है। और वहां पर एक रिसेप्शन में, या इतने सारे हमारे डिस्प्ले बोर्ड है, कहीं भी उनके पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उनके काम को दिखाना है, चाहे बच्चा हो या शिक्षक। अभी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बीच बीच में हम एक्चुअली स्टाफ मीटिंग में स्टार्टिंग से ही कोई भी अच्छा काम शिक्षकों के द्वारा किया जाता है तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मॉर्निंग असेंबली में भी पता होना चाहिए सबको कि कौन शिक्षक एक्चुअल में क्या काम कर रहा है। अभी हम ऐसी एक छोटी सी शुरुआत आज से करने जा रहे हैं, शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना हमारी जिम्मेदारी। आप लोग देख रहे होंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बता लेंगे बेटा, हमारे ये जो स्कूल का जो मैदान है, आपने कभी कितना विस्तार इसका देखा है? अभी जितना बड़ा हमारा स्कूल का मैदान हो गया है, और आज की डेट में जितनी उसकी साफ सफाई है, आप चाहें तो सुबह सुबह के कुछ पीरियड खेलने जा सकते हैं, अगर नहीं गए हैं तो आज जरूर जाना। सारे बच्चों को, हर क्लास टीचर को लाइन लगा के और मैदान को दिखा के लाना है। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मैदान का एक तरह से कटीली झाड़ियों, अनावश्यक पेड़ पौधों और बड़ी बड़ी ऐसी इतनी ऊंची घास और कचरे का
अंदर दबा हुआ था। हमने आज से एक हफ्ते पहले एक शिक्षक से रिक्वेस्ट की कि इसके लिए कुछ करना है, शायद एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया। टीचर्स ने बस हमने कहा, मजबूर नहीं किया, लेकिन टीचर्स ने खुद ने इनिशिएटिव लिया। हमारे जो चेयरमैन है, आर्मी पर्सन है, उनसे जो है संबंध स्थापित किया और बड़ी सी डोजर मशीन मंगवाई गई और उस मशीन की सहायता से सारे कटीली झाड़ियों और अनावश्यक पेड़ पौधों को हटा करके बहुत बड़ा, जहां तक हमें कभी बॉर्डर नहीं दिखाई देती थी स्कूल की, वो बॉर्डर दिखाई देने लगी है। और अभी हालांकि काम की शुरुआत हुई है, ये काम कंप्लीट जब हो जाएगा और बहुत सारा वहां पर जो डेवलपमेंट होने की संभावना दिखाई देगी मिट्टी के भराव करके, तो जबरदस्त तरीके से हमारे इस विद्यालय में विद्यार्थियों को खेलने के अनेक प्रकार के गेम्स की, आउटडोर गेम्स की सुविधाएं मिलने लगेगी और बच्चे खुश होकर के बारिश के दिनों में भी वहां कीचड़ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सैंड और पत्थर की डस्ट के भराव का प्लानिंग हमारी है। ये काम और तेज गति से पकड़े और जिस काम को हाथ में लिया और इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, इसी तरह से ये एंड की ओर जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा जो पेन लेकर के, सबसे ज्यादा उसकी चिंता करके और सबसे ज्यादा उसके बारे में अभी पिछले एक से दो डेढ़ हफ्ते में इस व्यक्ति ने काम किया है, वो हमारे विद्यालय के फिजिकल एजुकेशन टीचर अमित सर। एक बार जोरदार आप सब बताइए। आप देख रहे हैं कि ध्वजारोहण का जो बीच में नियम है कि राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन का नियम था, और जब भी हमारे इंस्पेक्शन में अधिकारी आते थे तो बार बार इस बात को लेकर वो नाराज होकर जाते थे। फिर हमने थोड़ा सर से बोला कि नहीं सर, ये करवाइए, बहुत दिन हो गया। सर ने वो एक दिन उसके लिए बुला करके, आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से व्यवस्था हो गई है, उसमें कुछ और बाउंड्री उसकी बनाना है वो भी बन जाएगी। लेकिन इसी तरह से हम चाहते हैं हमारे स्कूल का स्टेज बहुत बढ़िया बने। धीरे धीरे हमारी प्लानिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होगी और सर इस दिशा में काम कर रहे हैं। आप इसी तरह अच्छे से काम करते रहिए और आपको हम इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। पांडे जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर को हमारी ओर से गमछा पहना करके जोरदार स्वागत। आप समझ लीजिए इस मामले में सर जो है टीचर ऑफ द वीक है आज के हमारे ना। और एक और बात, पांडे जी हमारे बाग का सबसे खूबसूरत गुलाब सर के लिए लेकर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रचार महोदय और जो भी शिक्षक गण हमारे जो भी प्रयास है उनको अवलोकन किया और मुझे इसी योग्य समझा कि मुझे अप्रिशिएट किया जा सके। मैं हमेशा चाहता हूं कि जो भी हमारे स्कूल में सुविधाएं और बेहतर हों, हमेशा प्रयास, बिना कहे भी कई चीजें मैं देखता रहता हूँ हमेशा सफाई वालों से, चाहे किधर इधर उधर कोई भी टूटी फूटी चीज कहीं भी देखता हूँ, चाहे बाहर वो भी मैं ये नहीं देखता हूँ किस डिपार्टमेंट का है चाहे किस चीज का है। उस स्कूल में जो भी सामान नहीं है या खराब कंडीशन में है, मुझे ये लगता है कोई बाहर से आएगा तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट को तो नहीं देखता वो किस डिपार्टमेंट का है कि नहीं है। ये हमारे स्कूल का सारा संपत्ति है, जो आप लोग से भी बार बार प्रयास किया जाता है कि वॉशरूम का जो दरवाजा है अगर टूट जाता है, कोई भी आएगा तो वहाँ पर ये तो नहीं लिखा है कि वो किस डिपार्टमेंट का, कौन सही कराएगा। इसलिए मैं हमेशा कोई भी चीज़ स्कूल में अव्यवस्थित हो, चाहे सफाई नहीं हो या लगता है कि और अच्छा किया जा सकता है, और मैं उस प्रयास में लगा रहता हूँ और सर के सहयोग से मैं कुछ कार्य कर भी पाता हूँ।
और अगर ऐसे ही सहयोग रहा तो मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक बहुत सारे चेंजेस स्कूल में अपने जो भी डिपार्टमेंट है मेरा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं करके जाऊँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही हमारे सभी स्टाफ सदस्यों से हमारा एक्सपेक्टेशन है, हमारी अपेक्षा है कि आप लोग जो लोग बिना किसी अपेक्षा के अपना काम करते हैं उनसे कुछ सीखें, और सीखने के लिए हमारे विद्यालय के जितने भी सीनियर टीचर्स हैं, पुराने टीचर्स हैं, हमने उनको कभी भी किसी काम के लिए ना कहते हुए नहीं सुना। और अपने आप से कई बार बोलने पर भी नहीं, और अपने मन से ही वो काम खुद इनिशिएटिव लेके करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम बोले और फिर करें वो एक बात एक अलग होती है। ऐसे ही हम आने वाले समय में कुछ और लोगों का सम्मान करते रहेंगे, स्पेशली उनका भी जो हमारे विद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं लेकिन इसका भाग नहीं है। जैसे वो जो मशीन चलाता है वो सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूस इतना मन लगाए काम करता है जैसे ये उसका खुद का विद्यालय या अपने घर के लिए वो काम कर रहा है। ये डेडिकेशन जो उस व्यक्ति का देखने को हमें मिला, फिर हमने बाद में पता चला कि वो इवन एक सिंगल चाय तक जो है हम उसको दे नहीं पाते थे, फिर हमने व्यवस्था की कि नहीं वो उसके लिए जितना हम कर सकते हैं स्वल्पाहार वगैरह वो उसको जरूर दिया जाए। और उनके साथ में जो हमारे आर्मी पर्सन है जो राजेंद्र सिंह जी है, वो भी हमने देखा कि इतना डेडिकेट होकर काम करते हैं कि जब उनको साफ सफाई करवाना होती है चारों तरफ की, तो मैंने देखा कि बताने के लिए वो खुद भी झाड़ू लेकर के उठ जाते हैं। और अब एक बार बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, कोई काम छोटा कोई काम बड़ा नहीं होता। ये फीलिंग्स, ये ही भावना जब किसी शिक्षक के मन में होती है तो फिर उसके लिए वो ये नहीं, टाइम नहीं होता, कोई रूल नहीं होता कि नहीं मैं बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, इसको कैसे जो है ये काम कैसे करूं, ये तो नियम में आता है ये तो नियम में नहीं आता है। अगर सबकी माँ भी अगर ऐसा ही सोच ले तो शायद हमारा जीवन इतना सुंदर नहीं होगा। माँ हमारे लिए जो भी करती है अनकंडीशनल लव करती है, बिना सैलरी के काम करती है, बिना आराम किए काम करती है, और माँ कष्ट में भी जो काम करती है हमारे लिए वो उसमें आनंद का अनुभव करती है। इसी तरह हम सब अपने काम में एंजॉय फील करें तो सारी शिकायतें हमारी दूर हो जाएगी। धन्यवाद। ध्वजारोहण के लिए खड़े हो जाएं।